بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم عزيزي الطلبة. ये जमात इत्तेहाद का मसले पाकिस्तान का चौथा लेक्चर है बाब नंबर एक। इसमें हम पढ़ेंगे अफगान जिहाद के बारे में और मौजूदा भी अफगानिस्तान के जो हालात हैं, इनकी जड़ें कहाँ से शुरू हुई, कितना से किस तरह शुरू हुआ, तो ये इंतहाई दिलचस्प मालूम है आपके लिए। तो आपकी किताब में पेज नंबर 16 पे लिखा है दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन रूस बशमूल वस्ती एशियाई इस्लामी ममालिक इसे सोवियत यूनियन कहते हैं, उसकी 1 लाख से ज्यादा फौज अफगानिस्तान में दाखिल हो गई और इसका बेगम असमन जनाब सुन ले। 1979 में अफगानिस्तान में इंकलाबी हुकूमत का क्या अमल में आया गया। नूर मोहम्मद तरक्की अफगानिस्तान के सदर मुकर हुए, उनकी पार्टी का नाम था PDPA और वो इंकलाबी ख्याल के मालिक थे, सोशलिस्ट नजरिया थे उनके और कुदरती लिहाज से चूंकि सोवियत यूनियन भी एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट रियासत थी, लिहाजा नूर मोहम्मद तरक्की की अफगानिस्तान की इंकलाबी हुकूमत के साथ उनके बहुत दोस्ताना रवाबित थे। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ वजूहात के बिना पे वहां पर बदमनी शुरू हो गई। बदमनी शुरू हो गई अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, पुलिस है, आर्मी है, उसमें हमले शुरू होने लगे। तो हकीकत यह है कि अमनोमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से नूर मोहम्मद तरक्की ने सोवियत यूनियन से फौजी इमदाद की दरखास्त की। यह हकीकत है, ये नहीं हुआ कि सोवियत यूनियन ने बगैर किसी वजह पर ध्यान रख दिया। जनाब वाला इतना समझे कि नूर मोहम्मद तरक्की के बाद हफीजुल्लाह अमीन अफगानिस्तान के सदर बने, हफीजुल्लाह अमीन के बाद बबर कारमल सदर बने, इसके बाद डॉक्टर नजीबुल्लाह खालिदुल्लाह की पार्टी के सदर बने। इस तमाम दौर में अफगानिस्तान में शदीद खाजगी, अफगान महाजरीन बड़ी तादाद में पाकिस्तान आए और इस्लामी ममालिक ज्यादा इस्लामी ममालिक और मगरबी बिलाद जो अमरीका का इतिहादी था, इन्होंने हर किस्म की माली और फौजी इमदाद मुजाहिदीन को दी और अफगानिस्तान की जो इंकलाबी हुकूमत थी डॉक्टर हिज़बुल्लाह की, उनको फौजी हुकूमत और माली जो मदद है वो रूस या सोवियत यूनियन की हुकूमत दी। बहरहाल इंतहाई शदीद तबाही हुई दोनों तरफ। तो जनाब आपकी किताब में लिखा है गालिबन 1985 में रूस में हुकूमत तब्दील हुई, गालिबन रूस के उस टाइम जो सदर थे कंस्टेंटाइन चर्नन को वो फौत हो गए और नए सदर उनके जो नामजद हुए मिखाइल गॉर्बाचोव, उन्होंने नरम पॉलिसी इख्तियार की अफगानिस्तान के बारे में और वो अफगानिस्तान से उनके फौज निकाल ला सकते, क्योंकि अफगानिस्तान में रूसी फौज का बहुत नुकसान हुआ माली लिहाज से जन लिहाज से। तो लिहाजा जेनीवा में स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत जेनीवा, स्विट्जरलैंड ने गैर जानी दारुल हुकूमत ये ना मगरिबी ब्लॉक ने भी नहीं कहा और ना स्वीडन ब्लॉक ने कहा, इसकी खारिज या पॉलिसी गैर जानी दारा है। तो लिहाजा वहां पर मुजाकिरात हुए और ये तय पाया कि रूसी अफवाज अफगानिस्तान से निकल गई।
तो यह भारत की निवासियों ने 1988 में रूसी फौज अफगानिस्तान से निकल गई। डॉक्टर नजीब उल्ला अफगानिस्तान के सदर थे, उनके पास अपनी फौज थी, वो भी चाहते थे कि पुरमन तरीके से मुजाहिदीन के हवाले करें। उन्होंने मुजाहिदीन को पेशकश की कि आप आ जाए, किसी को नामजद करें और हुकूमत ले, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे मुजाहिदीन इस बात पे मुसर थे कि वो जोर से अफगानिस्तान की हुकूमत कर रही है। तो आपकी मालूम के लिए अर्ज है कि अफगानिस्तान की फिर सही तबाही उस वक्त हुई जब रूसी फौज अफगानिस्तान से निकल गई। फिर एक तरफ डॉक्टर नजीब उल्ला की अफगान आर्मी थी और दूसरी तरफ मुजाहिदीन थे, और इस दौरान 1988 से 1992 तक अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। बहरहाल अभी तक पाकिस्तान में लाखों अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं और अफगान की जो सूरत हाल है वो अबतर है, और तमाम हमसाए ममालिक बशमूल पाकिस्तान ये चाहते हैं कि वहां पर अफगान कायम हो। अजीज तलबा, आज के लिए चर्चा की, इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में मोहम्मद खातिर की हुकूमत के बारे में बात होगी। शुक्रिया।